नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की रेसिपी में बनाऊंगी साबुनदाना का खीर। तो ये देखिए सामग्री इस प्रकार से है। ये हमने साबुनदाना लिया हुआ है, 6 दाना हमने इलायची का हरा वाला लिया है, इसे कूटेंगे। इससे खीर में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आता है। तो ये देखिए हमने मीठा के अनुसार चीनी लिया हुआ है। ड्राई फ्रूट में बादाम है और मुनक्का है, हमने काट लिया हुआ है। शुद्ध भैंस का घी हमने लिया हुआ है। मलाईदार हमने दूध लिया हुआ है, इसे देखिए लोटे में करके रखा हुआ है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं साबुनदाना का खीर। कढ़ाई गर्म है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। ये देखिए बढ़िया से घी पिघल रहा है। हरे वाले इलायची को हमने कूट दिया है, तो पाउडर नहीं बनाया हुआ है, इसका तड़का लगाएंगे। अब डालेंगे साबुन दाने, चलाते हुए घी में अच्छे तरीके से भूनेंगे और आँच को मीडियम कर देंगे। अभी तेज नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएगा साबुन दाना। ये देखिए दोस्तों साबुन दाना एकदम बढ़िया से क्रिस्पी हो रहा है, तो बराबर चलाना है। आप चाहें तो साबुन दाना को भिगोकर भी बना सकते हैं, तो मैं बिना भिगोए बना रही हूँ। तो ये देखिए बढ़िया से अभी भूनेंगे इसे। दोस्तों हमने अपने चैनल पे ढेर सारे वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं। साबुनदाना का टिक्की भी हमने बना के डाला हुआ है, नमकीन बनाया है, खिचड़ी बनाया है। जो रेसिपी चाहें आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और जो आपके मन में हो बनाने के लिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, बोल सकते हैं। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं साबुनदाना फूला एकदम हो गया है। तो अब इसे चला देंगे और इसमें डालेंगे दूध। इस तरीके से दोस्तों भून के बनाएंगे साबुनदाना का खिचड़ी, तो बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी बनेगा। तो अब डालेंगे इसमें मलाई वाला दूध। दूध को उबलने देते हैं, उसके बाद में डालेंगे चीनी। धीरे धीरे उबाल आना शुरू हो गया है, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। साबुनदाना बहुत ही फायदेमंद है, बच्चे लोग के बना के खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बड़े भी खा सकते हैं इसे। तो ये देखिए कितना प्यारा सा फूल रहा है। अब हम इसे चलाएंगे, इसी तरीके से चला देंगे, नहीं तो कढ़ाई में लगने लगेगा नीचे से। अब डालेंगे शक्कर यानी कि चीनी मीठा के अनुसार। अब डालेंगे बादाम और मुनक्का, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब चला देंगे इसे। दोस्तों साबुनदाना का स्वादिष्ट टेस्टी खीर बनके तैयार है खाने के लिए। चलिए मिलते हैं आने वाले न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।